हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग एक राइड के लिए रेडी हो रहे हैं। तुटिंग से हम लोग निकलेंगे जोनाई तक, लेकिन हम लोग का ये डिपार्चर टाइम थोड़ा लेट हो गया, तो इस वजह से बीच में होल्ड करना पड़ेगा इंक्योंग में। तो इंक्योंग तक 7 PM तक पहुंचना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग अभी पूरा प्रिपेयर्ड रेडी हो रहे हैं, ऑल सेट टू गो। तो ये बसंती भी एकदम रेडी है और मेरा साथ होगा 5 मेंबर्स। तो हम सब मिलके मतलब 6 मेंबर्स हैं, सब लोग 3 बाइक से दो दो करके। तो ये है मेरा दोस्त लव सिंह, एंड दिस इज मिस्टर हर्ष पवार, एंड दिस इज मिस्टर प्रभात कुमार। सो सर, टेल मी, आर यू एक्साइटेड? यस, वी आर वेरी मच एक्साइटेड। इवन दिस इज द फर्स्ट road trip I am having this one. Let's see what the journey unfolds. I'm looking forward to it. Okay, great. What would you like to say, Mr. Hurst? आज से पहले इतना लंबा जर्नी तो कभी हुआ नहीं है, छोटा मोटा चलता था, लेकिन इस जर्नी के लिए बहुत एक्साइटेड है। देखते हैं कितना एंजॉय कर पाते हैं। ओके, स्टे कनेक्टेड। मिस्टर प्रभात, प्लीज। सर, एक्चुअली क्या बताएं कि बस यहाँ से निकल रहे हैं, जाना कहाँ है बताओ, उस शहर का नाम ले चल, जहाँ तेरी मंजिल है तेरा है काम। वाह, इतना ही बोलना चाहूँगा, थैंक यू। सो देट वॉज इट। मेरा ये दोस्त लोग भी काफ़ी एक्साइटेड हैं, जैसे कि आप लोग को बताया, फॉर मोस्ट ऑफ देम दिस इज देयर लॉन्गेस्ट बाइक ट्रिप। सो अभी आप लोग को दिखाएंगे यहाँ से तुटिंग से इंक्योंग का जर्नी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग अभी अपना रूम से रवाना हो गया। ये है तुटिंग का जनरल ग्राउंड। ये जगह को बोलते हैं अपर कॉलोनी। ये इसमें लव सर और हर सर, और वो आगे वाले में मीना सर और ये मुकेश सर है। यहाँ एक ITBP का कैंप है ये वाला। तो पहले तो मुझे यहाँ पे तेल डलवाना पड़ेगा। कहीं मिलेगा तो ये जो आगे वाला रोड है, यहाँ से गेलिंग जाता है, और ये है वो रास्ता जो टूटिंग को पासीघाट से कनेक्ट करता है। तो पहले यहाँ पे तेल डलवा देता हूँ। भैया, तेल कहाँ मिलता है? गुरु एक बार पूछा ना। तेल डलवा लिया, अभी इधर से निकल रहा हूँ तुटिंग से। इधर ही ख़त्म होता है वो तुटिंग, और इधर से शुरू होता है तुटिंग टाउन एरिया। तो यहाँ से ऑफ रोड शुरू होता है और पूरा इंक्योंग तक ये लगभग 150 किलोमीटर का स्ट्रेच। तो तेली ऑफ रोड है। तुटिंग
रिमोट भी है और ऊपर से ऐसा रास्ता के वजह से यहाँ पे बहुत कम लोग आना जाना करता है, लेकिन इधर टूरिज्म का बहुत पोटेंशियल है टूरिज्म डेवलप करने के लिए। सब लोग एक निकलने से पहले फोटो ले रहे हैं। हो गया हो गया हो गया हो गया, ये अभी थोड़ा ये फोटो शूट हो रहा था जर्नी का बिगिनिंग का, अभी इधर से हम लोग निकल गए। तो ये शूटिंग टाउनशिप एरिया पार होके आ गए हम लोग, लाइक 1 किलोमीटर। ये आप देख सकते हो रास्ता कैसा है इधर शूटिंग में। ये मेरा भी ये सबसे लॉन्गेस्ट राइड होगा, 10 दिन का राइड। तो अभी हम लोग को ब्रेक मिला है, ऑटम ब्रेक 10 दिन का। तो इस ऑटम ब्रेक का फुल फ़ायदा उठाएंगे। तो पहले तो अभी हम लोग यहाँ से जोनाई तक जाना है मेरा घर तक, और उधर से हम लोग निकलेंगे गुवाहाटी के लिए। तो गुवाहाटी से हम लोग का राइड शुरू होगा। तो फर्स्ट प्लान किया हूँ गुवाहाटी से शिलोंग, उसके बाद शिलोंग से माउलिनोंग चलेंगे, एशिया क्लीनेस्ट विलेज। उधर से रिटर्न होके फिर बैक टू गुवाहाटी, एंड देन फ्रॉम गुवाहाटी द नेक्स्ट डेस्टिनेशन वुड बी काजीरंगा नेशनल पार्क। आफ्टर देर हम लोग चलेंगे माजुली, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट रिवर आइलैंड, और उधर से हम लोग तवांग के लिए रवाना हो जाएंगे। तवांग से वापस आके फिर गुवाहाटी, उसके बाद गुवाहाटी से ट्रेन से हम लोग वापस आएंगे चेन्नई तक, और चेन्नई से फिर बैक टू कुकिंग। तो ये जितना भी हम लोग प्लान किया हो, जो भी डेस्टिनेशन अभी आप लोग को बताया, तो एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेशन, तो 10 दिन में ये सब पॉसिबल है। तो लेट्स सी हाउ फार वी कुड मैनेज। ऑफरोडिंग भी पसंद है, लेकिन अगर आपको 10 घंटा 12 घंटा अगर आप ऐसे खराब रास्ते में चलोगे तो वो वाला मजा नहीं रहता है ऑफरोडिंग का। तो राइड ही पूरा एकदम टायरिंग हो जाता है। पता नहीं ये रास्ता कब बनेगा, लेकिन अभी एक नया रास्ता बन रहा है, एक हाईवे बन रहा है किंग्योंग से तुतिंग तक। अभी तो बस शुरुआत किया है, बहुत ही टाइम बाकी है उसको, उसका कॉम्प्लीशन। तो जब वो ठीक हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो ऐसे बोल रहा है कि 3-4 घंटे में हम लोग तुतिंग से किंग्योंग पहुँच जाएंगे उस रास्ते से। अभी तो ये वाला रास्ता से मिनिमम हम लोग को 7 आवर्स लगता है, अगर आराम से चलते हैं तो 8 आवर्स तो श्योर। यहाँ से लेकिन तुतिंग से किंग्योंग तक डाउनहिल है, बहुत स्लोप है, तो इस वजह से यहाँ से थोड़ा जल्दी होता है, 6 आवर्स में हम लोग किंग्योंग तक पहुँच सकते हैं। What?
नीचे बेस प्लेट पे लग गया है पत्थर। तो ऐसे रास्तों के लिए तो अच्छा बाइक चाहिए होता है, अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस वाला, नहीं तो ऐसे ही पत्थर से टकराते रहेंगे इंजन। एक थोड़ा अच्छा स्ट्रेच मिला हो रास्ता, इधर भी हाईवे बन रहा है। तो जब भी ऐसा रास्ता बीच में मिलता है अलग ही मजा आता है, क्योंकि इतना खराब रास्ता चलाने के बाद अगर ऐसा कुछ बीच बीच में मिल जाए तो रिलैक्स हो जाता है। नहीं तो सच में एक टॉर्चर है इधर राइड करना। थोड़ा बहुत तो चलो कुछ नहीं है, लेकिन अगर 147 किलोमीटर स्ट्रेस आपको ऐसा रास्ता मिलेगा उधर देखिए पहाड़ों में कैसा ये क्लाउड्स फॉर्म हुआ है। हम तो बादल उधर नीचे में बादल के लिए हम लोग को ऊपर देखना पड़ता है, तो यहाँ पे कभी कभार ऐसा जगह भी आ जाता है जहाँ पे बादल आपके नीचे, तो यहाँ पे ये इसका बाउंड्री भी बना रहा है प्रोटेक्शन। थोड़ा सा चौड़ा रोड, हाँ यहाँ अच्छा काम हुआ है, लेकिन तब मजा आता है चलाने में और जर्नी भी। बस इन लोग जैसे तैसे उसके बाद तो अच्छा रास्ता मिल जाएगा। यहाँ डाउन हिल है, बस अभी मैं इंजन साफ कर दूंगा और ये अपने आप चलते रहेगा। यहाँ एक ब्रिज मिला है और इसके जस्ट बगल में ये एलगी का एक बहुत सुंदर फॉर्मेशन देखने को मिला है, तो इस वजह से आप लोग को दिखाने के लिए यहाँ रुका। ये देखो ये एलगी और मॉस है, तो इसका कलर आप देखो कितना प्यारा कलर है, और ऊपर से ये पानी ड्रिप हो रहा है। बहुत ही सुंदर नजारा है। तो थोड़ा ब्रेक ले रहा हूँ इधर, इधर एक वाटरफॉल है ना, थोड़ा रुक। यहाँ पे एक वाटरफॉल है, आप लोग को दिखाऊंगा। अभी बाइक पार्क कर लेता हूँ, इधर पार्क करता हूँ। उतरते हैं गुरु, वाटरफॉल को आप लोग को दिखाऊंगा अभी। चलिए और करेंगे।
इतना भी बड़ा नहीं है, फिर भी एक सुंदर नज़ारा देता है ये भी। तो ये है वो वाटरफॉल। अभी इस वाटरफॉल के वजह से ये वाला पोर्शन गद्दा हो गया है, क्योंकि यहाँ से पानी हमेशा मूवमेंट होता है, तो उस वजह से ये इरोड हो के ये वाला ऐसे थोड़ा गड्ढा हो गया। तो पानी के प्रेशर के वजह से वाटर वहाँ से वाटर ड्रॉपलेट्स इधर तक पहुँच जाता है, तो इस वजह से यहाँ एक ठंडक मिलता है बिकॉज ऑफ द वाटर वेपर। तो ये हम लोग का दोस्त आ गया। और एक बड़ा सा एक वाटरफॉल मिलेगा, उधर भी होल्ड करेंगे, ये उससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, उसको भी आप लोग को दिखाऊंगा। अभी इधर से निकलता हूँ, बहुत लंबा सफ़र है अभी भी। अभी हम तुटिंग से 53 किलोमीटर्स दूर आ गया हूँ, तो यहाँ पे ये जस्ट एक बस्ती पार किया हूँ, मिगिंग बस्ती नाम से। ये एक बहुत ही हाई एल्टीट्यूड में है ये विलेज, तो यहाँ से ये आप देख सकते हो ये जो भी क्लाउड्स है हम लोग के नीचे हैं। अभी अंधेरा भी होने लगा है, ठंड भी लग रहा था ये ऑल्टीट्यूड के वजह से, और शाम भी होने लगा है, इसलिए थोड़ा रुक के थर्मल पहन लिया था। अभी भी बहुत दूर है, क्यों 10 बज जाएगा शायद पहुँचते पहुँचते, तो बीच में खाना भी खाना है। जस्ट पहुंचा हुआ हूँ क्यों, बहुत देर हो गया, 12 AM हो गया अभी रात, एक्चुअली सुबह। अभी होटल भी नहीं मिल रहा है, तो एक होटल पे अभी यहाँ आया हुआ है, ये लिबांग होटल नाम से, लेकिन अभी तो बंद कर दिया है। आवाज़ लगा रहा हूँ और फ़ोन भी मिला रहा हूँ, पता नहीं आज होगा कि नहीं, तो यहाँ से सीधा जोना ही जाना पड़ेगा। तो बस इतना ही, और रास्ते में आप लोग को आगे दिखा नहीं पाया क्योंकि अंधेरा भी हो गया था और रास्ता भी ख़राब है, तो इस वजह से। अभी टाइम 1 AM हो गया है, तो लकीली हम लोग के होटल मिल गया, एक्सपेक्ट नहीं किया था मिलेगा और के, तो मैं सोच रहा था अगर होटल नहीं मिलता है तो सीधा अपना घर चला जाऊंगा जोना है, लेकिन चलो ठीक हुआ, और क्योंकि ज़्यादा थकान भी हो गया था और बाकी लोग भी वो आइडिया को उतना एग्री नहीं कर रहा था जोना जाने के लिए अभी, क्योंकि उनमें से मतलब ऑलमोस्ट सबका ये अभी तक का सबसे लंबा सफ़र है ऐसा रास्ता में। तो अभी बस ये है वो रूम, हिल टॉप, क्या नाम था, हिल टॉप होटल नाम से। ये आप देख सकते हैं ऐसे ऐसा बनाया है ये होटल को, इस तरफ है सिंगल रूम और यहाँ पे है डबल रूम। तो यहाँ पे इधर मैं सो जाऊँगा और मेरा साथ होगा ये मुकेश सर। तो आप कहाँ ले आए रूम? ये मीना सर का ये वाला सिंगल रूम है। तो ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और कल सुबह हम लोग यहाँ से निकलेंगे जोना के लिए, और जोना से शाम को ट्रेन पकड़ेंगे ये मुर्गों से लेक से लासीर एक्सप्रेस टू कामाख्या। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।
सी यू, बाय बाय।